अगर आपको अपना आधार कार्ड खो गए हैं किसी भी वजह से और आपको अपना आधार कार्ड नंबर या फिर एनरोलमेंट आईडी कुछ भी याद नहीं, लेकिन आप ऑनलाइन से अपना आधार कार्ड को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपको जरूर देखना होगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए ही बनाए गए हैं। बिकॉज इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ यू कुड रिट्रीव योर आधार नंबर ऑनलाइन बाय सर्चिंग योर नेम ओनली। हाँ दोस्तों, आप अपना आधार कार्ड नंबर को खाली आपका नाम को सर्च करके ऑनलाइन से फिर से प्राप्त कर सकते हैं और उसके बाद डाउनलोड भी कर पाएंगे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ संजीव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल संजीव। तो देर किस बात की, चलते हैं पीसी के स्क्रीन के ऊपर और देख लेते हैं इसका पूरा प्रोसेस। लेकिन शुरू करने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ऑन यूट्यूब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल नेवर टू मिस एन अपडेट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आधार कार्ड नंबर को फिर से प्राप्त यानी पाने के लिए आपको उराई का इस वेब पोर्टल पर चले आना है, जिसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिए हैं। यह है उराई का ऑफिशियल वेब पोर्टल। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते ही आपको रिट्रीव ईआईडी यानी एनरोलमेंट आईडी और आधार नंबर का इस ऑप्शन को देखने को मिलेगा, जिसके ऊपर आपको जो है क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही एक नया पेज आ जाएगा, जहां पर आपको आधार नंबर या फिर एनरोलमेंट आईडी को फिल करने के लिए ऑप्शन देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे कि मेरा आधार कार्ड खो चुके हैं और आधार या फिर एनरोलमेंट आईडी भी याद नहीं है, इस सिचुएशन पर आपको खाली आपका नाम एंटर करके अपना आधार कार्ड नंबर को प्राप्त करना है। और इसके लिए आपको जो है यहाँ पर ये जो नाम का फील्ड दिखाई दे रहा है, वहाँ पर अपना नाम एंटर करके उसी के ठीक नीचे आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी एंटर करना है। इस सिलसिले में मैं एक बात आप लोगों को कहना चाहता हूँ, और वो है ऐसा सिचुएशन पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर इस प्रोसेस से फिर से पाने के लिए आधार कार्ड के साथ आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, नहीं तो आप ये काम नहीं कर पाओगे। मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी एंटर करने के बाद यू हैव टू एंटर द कैप्चा टेक्स्ट ओवर हियर एंड क्लिक ऑन सेंड ओटीपी। तो चलिए इस फील्ड्स को फटाफट फिल कर लेते हैं। सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करते ही आपका एंटर किए गए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेज दिए जाएंगे, जिसे आपको जो है एंटर ओटीपी के जगह पर फिल करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट करते ही ये देखिए नेक्स्ट पेज पर, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि योर आधार नंबर सच एंड सच इज सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यानी आधार नंबर आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज दिए गए हैं। ये देखिए मेरा मोबाइल नंबर पर मेरे खो गए आधार नंबर को भेज दिए गए हैं। तो चलिए अब इस आधार नंबर को एंटर करके इसे डाउनलोड कर लेते हैं। इसके लिए यू हैव टू टैप ऑन डैशबोर्ड ऑप्शन। टैप करते ही डैशबोर्ड आ गए हैं, जहां पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके आपको जो है डाउनलोड आधार का ऑप्शन के ऊपर टैप कर देना है। टैप करते ही नेक्स्ट पेज पर आपको अपना मिले हुए आधार नंबर को एंटर कर देना है और नीचे दिए गए कैप्चा को एंटर करके सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही फिर से एक ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आ जाएगा, जिसे आपको यहां पर फिल कर देनी है और वेरीफाई एंड डाउनलोड के ऊपर टैप कर देना है। ऐसा करते ही ये देखिए नेक्स्ट पेज पर आपको कंग्रेचुलेशंस कह जा रहा है फॉर सक्सेसफुली डाउनलोडिंग द आधार कार्ड, जिसे आपको 8 कैरेक्टर्स वाला पासवर्ड देके ओपन करना होगा, जो कि फर्स्ट 4 लेटर्स ऑफ आधार होल्डर्स नेम इन कैपिटल एंड ईयर ऑफ बर्थ। तो चलिए इस डाउनलोड किए गए आधार कार्ड को ओपन करके देख लेते हैं।
ये रहा मेरा आधार कार्ड जो खो गए थे और जिसे मैंने इस प्रोसेस से फिर से डाउनलोड कर पाया है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपना खोए गए आधार को डाउनलोड कर पाएंगे। वीडियो अगर हेल्पफुल रहा तो एक लाइक और शेयर कर देना, और हो सके तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ताकि हर नया वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिलते रहे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।